नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध मत के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रचलन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व और निर्वाण 483 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। स्वयं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुदोधन के घर में हुआ था। इनका निधन 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध का मन विवाह के बाद वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार को 30 वर्ष की उम्र में त्याग दिया। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। उन्हें जिस पीपल वृक्ष के नीचे बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर स्त्रियों को भी संघ में लेने की अनुमति दे दी गई। हालांकि इससे महात्मा बुद्ध बिल्कुल भी खुश नहीं थे। महात्मा बुद्ध के बाद उनके विचारों और शिक्षाओं की व्याख्या को लेकर टकराव होने लगे। कई संगीतियों का आयोजन किया गया और उनकी शिक्षाओं के संकलन तैयार किए गए। बौद्ध धर्म बाद में 3 शाखाओं में बंट गया, जिनमें शामिल है थेरवाद या हीनयान। हीनयान और थेरवाद एक ही है। महायान वज्रयान ये दूसरी 2 शाखाएं हैं। थेरवाद यह एक रूढ़िवादी परंपरा है, अर्थात प्राचीन बौद्ध धर्म जैसा था उसी मार्ग पर चलने पर बल देता है। वे बुद्ध को पूजते नहीं हैं और ना ही उनके धार्मिक समारोह में बुद्ध पूजा होती है। वे बुद्ध को महापुरुष जरूर मानते हैं परंतु देवता नहीं। महायान इसमें बुद्ध को देवता माना गया है और इनकी मूर्ति पूजा की जाती है। यहाँ तक कि इनके प्रभाव से ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा है। इस शाखा के लोगों ने आडंबरपूर्ण जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया है। वज्रयान यह बौद्ध दर्शन और अभ्यास की एक जटिल और बहुमुखी प्रणाली है जिसका विकास कई सदियों में हुआ था। यह तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहलाता है। धन्यवाद।